गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज मकर संक्रांति है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि पंडितों ने खेला कर दिया है कि आज नहीं 15 तारीख को मकर संक्रांति दही चूरा तिल लड्डू का दिन है। तो आज तो वैसे है नहीं, तो आज मनाया नहीं, पर आज शॉपिंग करने जाएंगे हम। शॉपिंग करने जाएंगे वो दही चूरा के लिए, जो भी है तिलकुट चूरा गुड़ यही कुछ कुछ आइटम। तो चलिए पहले, अभी तो मैं मतलब सोया हुआ हूँ कि बहुत ठंड है आज का दिन। तो दोस्तों अभी तो धूप हुआ नहीं है, इसीलिए अभी मैं बेड में ही पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा गिर रही है और ठंड के मौसम में जल्दी उठने का मन नहीं करता है, इसीलिए अभी सोया हुआ हूँ। थोड़ी देर में उठ के फिर आपसे बात करूँगा फ्रेश हो जाने के बाद। फ्रेश होने के बाद मैं फिर ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर वहाँ पे मिलता हूँ। चलिए अभी चलता हूँ। ये सब्जी बना है, आलू मटर का सब्जी है और ये चावल है आज। चलिए नाश्ता करने के बाद आपसे फिर मिलते हैं। दोस्तों हम जा रहे हैं अभी बाहर तिल चूरा और मकर संक्रांति का कुछ सामान खरीदने के लिए, चूरा गुड़ तिलकुट। चलिए खरीद के फिर आपको मैं दिखाता हूँ हमने क्या क्या आइटम खरीदा। और देखिए ये हमारा भैया है, कल इसी का बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखो मम्मी है, मम्मी मम्मी गुस्सा है, मम्मी गुस्सा है, क्या गुस्सा है बोलिए। वो देखो अरे वो निकल ले बात, तू झुका। वो देखो दोस्तों पापा जी हैं, पापा जी झाड़ू कुछ बना रहे, झाड़ू का आविष्कार कर रहे हैं अभी फिलहाल। हम दोस्तों जा रहे हैं अभी बाइक से, ऑन द वे हैं, जा रहे हैं बाइक से, रास्ते में बोल रहे हैं बनता नहीं, इसलिए छुप के बोल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम बाज़ार जा रहे हैं और मुझे सबके सामने बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए ब्लॉग बनाने टाइम छुप के आराम से बोल रहे हैं। आप लोग सुनाई दे रहा है, मैं अभी बाज़ार जाकर फिर आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों हम अपने मोहल्ले से निकल गए और मेन रोड पे आ गए हैं। अब हम इसी मेन रोड के रास्ते मार्केट जाएंगे और मकर संक्रांति का ख़रीदारी करेंगे। ख़रीदारी करने के बाद फिर आपसे बात करेंगे। ये देखिए बगल में कितना सुंदर डिवाइडर है, ये मुझे अच्छा लगता है देखने में, इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड करने का सोचा, चलो रिकॉर्ड करके देखता हूँ। देखिए कितना सुंदर लगता है। अभी टर्निंग पॉइंट आएगा वो भी देखिए। चलिए चलता हूँ, खरीदारी के बाद फिर आपसे मिलूँगा थोड़ी देर पे। तो दोस्तों हम अब बाज़ार करके आ गए हैं और हम घर भी आ गए हैं। ये देखिए सारा बाज़ार हमने किया है, इसमें चूरा है, चूरा कलाई है, तिलकुट है और गुड़ भी है, काजू के मिस कुछ कपड़े हैं। ये सारा बाज़ार हमने वो अपने गांव के बगल वाले मार्केट से किया है। तो दोस्तों फिर आपसे थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं। तो दोस्तों हम अब बाज़ार करके आ गए हैं, मैं अपने हाथ धोआ के फ्रेश भी हो गया हूँ और मतलब सुबह सुबह ही गया था नाश्ता करके, फिर सीधा मार्केट करने गया, मार्केट करके आ गया, नहा धोआ के फ्रेश हो गया हूँ। बाज़ार हमने मतलब बाज़ार में हमें थोड़ा लेट हो गया, 12 के आसपास बज गया बाज़ार करते करते। बाज़ार करके सीधा घर आया हूँ, अपने सामान तो देख ही लिया हमने क्या क्या ख़रीदा। और मैं फिर फ्रेश होने के बाद अब मतलब नहा धोआ के फ्रेश हो गया हूँ, अब चला कुछ खाना वाना खा के फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर। ये देखो दोस्तों, ये कल हमारे यहाँ तिल संक्रांत मनाया जाएगा, उसका तैयारी आज ही हो रहा है। वो गुड़ का पाक तैयार हो रहा है, उस तिल में तिल और बादाम में डाल के उसे लड्डू बनाया जाएगा। ये देखो ये तिल है, बादाम है और इधर गुड़ का पाक बन रहा है, दोनों को मिक्स करके लड्डू बनाया जाएगा। अब बोल बम बोल के कल सुबह खाया जाएगा। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं तिल पारने के लिए, हमें भी थोड़ा मदद करना होगा क्योंकि माँ से अकेले होने रहा, बाकी सब यहाँ कोड़िया कामचोर घर में भरा हुआ है, इसलिए जा रहे हैं माँ के साथ। हम खुद ही लड्डू बंधवाएंगे, तिल का लड्डू, फिर बन जाने के बाद आपसे थोड़ी देर बाद बात करते। माँ बोल रही थोड़ा धीरे धीरे बोलो, तो धीरे धीरे बोल रहे।
अंधेरा दिख रहा है एकदम, दिख नहीं रहा है क्लियर। ये देखो रसोई घर लड्डू बन रहा है मेथी वाला, अच्छा तिल वाला, तिल देखो पानी की तो बुझाता कि झोर कहां आई, झोर थोड़ी है। ये देखो बन गया लड्डू, अच्छे से बनाता है ना कोई, देखा के बनाता है जो आपसे जो भाग जो बनाना। अब क्या बनाए, हम बनाते हैं ना बनाते हैं, तुम वीडियो बनाओ जाओ तो पकड़ना लगता है ना दोस्तों, नहीं दिखा पाया। ये देखो ये बन गया लड्डू, लड्डू लड्डू। तो दोस्तों तिल का लड्डू बन के रेडी हो गया, ये खत्म हो गया। ये देखो तिल का लड्डू बन गया, कल इसी का पहला शुरुआत होगा, ओपनिंग होगा, उद्घाटन होगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, डिनर हो गया, सारी तैयारियां हो गई हैं मकर संक्रांति के लिए, और फिर हम कल मिलते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सो चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।